एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइव विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और टाइम है अभी मॉर्निंग का, तो हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ना मैं बना रही हूँ आज चावल के आटे के डोसे और साथ में मूँगफली की और हरी धनिया की चटनी। तो बस मैं वही बना रही हूँ और हस्बैंड कर रहे हैं अभी पूजा, तो पूजा कर ले फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलिए बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बैटर तैयार किया है और कैसे बना रही हूँ। ये देखो गाइस, ये है चावल का आटा और चावल के आटे में मैंने डाला कुछ इस तरह से, इसका ना बैटर रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है। और चावल के आटे में मैंने डाला है नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज और गाजर डाली है घिस के, बस इतना ही डाला है। और उसके बाद मैं इसको नॉन स्टिक तवे पर अच्छे से इसको पकाऊंगी, मैं बनाऊंगी डोसे को। तो चलिए डोसा बनाते हैं फटाफट से। ये देखो हमने डोसे को अच्छे से फैला दिया है, अब बस इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो आप लोग भी बना सकते हो। और झटपट बनने वाला ये ब्रेकफास्ट है, फटाफट से बन जाता है चावल का आटा अगर आपके पास हो तो। ये देखो गाइस, हमारा डोसा अच्छे से हो गया है क्रिस्पी, क्योंकि हमें क्रिस्पी डोसा चाहिए था वो। तो इसको आप टमाटर की चटनी या हरे धनिया की चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आज देखो मैं अपने रूम में बैठी हूँ और मैं ना आज कितने दिनों बाद अपने इस रूम से वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद। मुझे खुद याद नहीं कि मैंने लास्ट वीडियो कब शूट की थी इस वाले बेडरूम से। तो बस सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और आज ना मैंने बहुत सारे धुले हैं कपड़े, तो कपड़े धुल चुके हैं, अभी मुझे डाल के आना उनको ऊपर छत पर धूप में सुखाने के लिए। और देखो मैंने ना अपने समर्स के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि काफ़ी धूप होने लगी है अब, मतलब मुझे तो गर्मी लगती है। तो मैंने अपने जितने भी विंटर्स की कुर्तीज़ थी वो मैंने सब रख दी उठाकर वॉश करके, और मैंने अब निकाल लिए कल से अपने ये समर्स वाले कुर्ती। तो अभी जाएंगे हम कपड़े सुखाने और उसके बाद बनाएंगे हम लंच, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया। और कल ना कल नहीं धोए थे मैंने कपड़े, क्योंकि कल हम लोग गए थे बाहर किसी काम से, तो कल कपड़े रह गए थे मेरे धुलने, हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे। और इसी वजह से मैं आज सारे कपड़े मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो मैंने अभी वॉश किए हैं कपड़े, तो हो चुके हैं पूरे वॉश। और अभी मैं उनको धूप में सुखाने जा रही हूँ छत पर, क्योंकि अब तो धूप भी अच्छी होती है और फटाफट से ना सूख जाते हैं सारे कपड़े। तो चलिए अभी कपड़े सुखा कर आते हैं और उसके बाद बनाते हैं अपना लंच, क्योंकि टाइम 12 बज गए हैं। फटाफट से लंच बनाऊँगी, 1:30 बजे तक हम लोग लंच करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अभी छत पर। हाँ कपड़े उतार रही है जो सूख गए। नहीं हवा चल रही ना, आधे कपड़े तुम्हारे गिरे पड़े हैं, उठा दिए। नहीं तो कह रहे हैं मौसम खराब हो जाए।
मैंने समर्स के कपड़े निकाल दिए। फ्रेंड्स शाम का और मुझे ना अनिकेत से पेंसिल लेने लगी थी तो मैंने अपना ये रेड वाला पोछू पहन लिया अपनी कुर्ती पे, इस पर मैच भी कर रहा है वो। और आज ना मैंने बनाए थे चावल के आटे के पेड़े। सुबह मैंने डोसा बनाया था चावल के आटे का, वो आपने इस वाली वीडियो में देख लिया। और जो चावल के आटे के पेड़े बनाए हैं वो आप मेरे दूसरे ब्लॉग में देखोगे। तो उसमें ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 2:30 बज गए थे और मेरा फिर बर्तन साफ करने का मन नहीं किया। तो अभी टाइम हुआ है 4:15, तो मैं अभी बर्तन साफ कर रही हूँ। ये बर्तन साफ कर रही हूँ, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो मैं ना अपनी किचन ऐसी छोड़ के चली गई थी, तो चलिए अभी बर्तन साफ कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो दोस्तों, मैं ले आया हूँ सब्जी, गोभी, गोभी, आलू मटर गोभी, हम साहब तुम धोबी। ये क्या लेके आयो? ये थोड़ा पालक सोया, उसने अपने मन से डाल दिया, वो दोस्त है ना मेरा। फिर साग लेके आ गए ना? मेथी लाया हूँ मैं दोस्तों, खुद अपने मन से डाल दिया। मेथी इसमें छाटूंगी फिर मैं। टमाटर? अरे टमाटर नहीं लाने थे यार, टमाटर प्याज बोला था मैंने। आलू? आलू लाया हूँ, 2.5 किलो आलू लाया हूँ। और ये हरा धनिया, हरी मिर्च कॉम्प्लीमेंट्री। बस बस ऐसे मत रखो यार, मैं इसको सबको वाश करके रखूंगी। ऐसा पहला ही बताया था तुमने, बस यार ये
अगर आपको पापड़ खाने तो पापड़ के लिए आलू कौन लेके आएगा? ये क्या लाया हूँ, 2.5 किलो? ये 2.5 किलो तो खाने के लिए है ना, नॉर्मली जो घर में सब्जी बनती है। और ला दो ले यार, आलू तो बहुत सस्ते हैं अभी। कितने रुपए किलो? 20 के 2.5 किलो दिए हैं। अब 5 किलो इकट्ठे ले आना, 5 किलो इकट्ठे ले आना। बकेट में कर दो, बकेट में कर दो। सही है, चलो अभी सब्जी आ गई यार। गाजर वाजर ले आते हैं। गाजर का क्या करोगी तुम, खराब करोगी गाजर, रख के फ्रिज में। गाजर लिया थे क्यों? हां, ना उसका हलवा बनता ना उसकी सब्जी बनती। तो क्या होता है फिर उसका? रखी रखी है फ्रिज में दिखा। अच्छा, तो आप क्यों नहीं रखी हुई है? पैसा है ना, पर मेरा नहीं। ये देखो पूरी खाली है हमारा फ्रिज, सिर्फ टमाटर हैं, जो मैंने मिठाई बनाई है वो है, दूध है, मलाई है, कॉफ़ी है। कल मैंने ना बीट करके कॉफ़ी बनाई थी, तो मैंने स्टोर कर लिया ये एक एयर टाइट कंटेनर में। और मैं देखो मटर को भी स्टोर करके रखती हूँ, और ये है मेरी मूँगफली की चटनी, बस यही है मेरे फ्रिज में। अभी कहाँ दिख रही है गाजर इनको, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। गाइस टाइम है शाम का, और शाम की पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है। और आज का जो टाइम है मेरा वो इस तरह से बीता, और डेली का टाइम भी ना मेरा इसी तरह से बीतता है कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर शाम के टाइम की चाय। मतलब कुछ इस तरह से ही मेरा घर का सारा काम होता है, और मैं अपने घर का सारा काम खुद अकेले मैनेज करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना सब। तो बस अपनी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं। तो मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, और अगर आपको आज वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।